तो यहाँ पर मेरी लौकी आलू की सब्जी भी बन गई है, तो अब थोड़ी देर में बनाते हैं रोटी। तो मेरी सब्जी बन चुकी है और रोटी अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि आज है संडे और आज है 28 अगस्त, तो शाम को आज हमें कहीं जाना है। मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया है, तो मैं अभी जा रही हूँ लक्ष्य के हेयर कट करने, और इसी के साथ मैं ब्लॉग की शुरुआत भी करती हूँ। हेलो हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं लक्ष्य के हेयर कट करने। मैं कल भी गई थी, वैसे तो मैं सैटरडे को बाल कभी नहीं कटाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा आज पैकिंग वैकिंग भी करनी है, टाइम नहीं होगा करके कल गई थी सैटरडे को। लेकिन यहाँ पता जाके पता चला कि वहाँ सैटरडे को यहाँ दुकान बंद रहती है, तो इस वजह से अभी मॉर्निंग के 8:30 9:15 हो रहा है, तो मैं जाके पहले इसके हेयर कट करा के आती हूँ, क्योंकि संडे के दिन यहाँ फिर बहुत भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है। तो इस वजह से तो मैं फटाफट जाके पहले इसके हेयर कट करा के लाती हूँ, फिर करूँगी, फिर बनाऊँगी रोटी। तो चलते हैं। तो अब हम घर से निकल रहे हैं, तो ये रहा हमारा घर, और ये सामने पे जो मैं बोली थी पार्लर, और उसी के सामने पे ये पांडाल लग रहा है। यहाँ पर आज शायद गणपति बैठाने वाले हैं, तो यहाँ पर पांडाल लग रहा है और लक्ष्य आगे आगे दौड़ रहे हैं। तो और मार्केट जाना होता है तो हमें इस तरफ से जाते हैं, हम थोड़ा पास पड़ता है बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे तो यहीं से सीधा सीधा सही लगता है। एक यहाँ पर सैलून है, लेकिन यहाँ पर तो भीड़ है। वो फर्स्ट सैलून में तो आपने देख ही लिया काफ़ी भीड़ है, तो अब हम जा रहे हैं दूसरे सैलून में जहाँ हम पहले रहते थे किराए पे, जहाँ हमारा पहले रूम था, हम उसी रोड पे आ गए हैं। तो देखते हैं यहाँ भी खुला है नहीं खुला है, मुझे लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पर खुला है सैलून, तो चलो जाके देखते हैं। यहाँ पर हम सैलून में पहुँच गए थे और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो लक्ष्य का नंबर आ गया था, तो यहाँ पर लक्ष्य बैठ गया था चेयर पे। अब लक्ष्य का होगा हेयर कट। तो हम बाल कटा के आ गए थे और हमने यहाँ पर लक्ष्य को भी नहला दिया है, तो यहाँ पर लक्ष्य ने नहा लिया है। अब इसको कब पहनाते हैं कपड़े, फिर मैं भी नहाऊँगी, फिर लास्ट में रोटी बनाऊँगी, तब तक शायद सेजल भी आ जाएगी झाड़ू पोछा करने। तो यहाँ पर हमने सामान पैक कर लिया है और 2 ही बैग ले जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं। तो मॉर्निंग के बाद अभी मैं शाम को वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और बैग सामान भी सारा पैक हो चुका है, और इसके पापा भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, कंपनी से आ गए थे थोड़ा जल्दी, तो रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घूमने। तो कहाँ जा रहे हैं ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और वीडियो देखनी पड़ेगी। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, समझ सकते हो आप। और यहाँ पर लक्ष्य भी रेडी है फुल, तो और सुबह इसको इसके बाल कटा के लाई, उसके बाद इसको नहलाया धुलाया, उसके बाद फिर मैं और काम में रह गई, वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा और थोड़ी देर सो भी गई थी, तो इस वजह से और दिन कुछ था भी नहीं ऐसा दिखाने के लिए, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो इसलिए अभी शाम को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं स्टेशन के लिए। तो हम घर से निकल चुके हैं, हाँ धूप लग रही है आज, तो कल बारिश हुई थी आज धूप है ही, और पीछे पीछे आ रहे हैं और देवर जी हमें पहुंचाने।
तो हम मेन रोड में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर से एटीएम से कैश निकाल लें। तो हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड, हलोल बस स्टैंड। अब हम यहाँ से लेंगे बस रेलवे स्टेशन के लिए। तो यहाँ पर अब हम ऑटो में बैठ रहे हैं, यहाँ पर हम ऑटो में बैठ गए हैं और अति देव मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो ऑटो में बैठ तो गए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक सवारी और आने दो, फिर चलते हैं। तो हमें जाना है रेलवे स्टेशन, और आज मैं भी पहली बार आई हूँ गोधरा, तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं आज गोधरा। तो हमारी ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन से है, तो और टाइम हम वडोदरा रेलवे स्टेशन से ही ज़्यादा जाते थे। तो ये है गोधरा का ऑटो स्टैंड। तो जहाँ ये बस जा रही है वहाँ पर है बस स्टैंड। तो हम पहुँच गए हैं गोधरा रेलवे स्टेशन। तो हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और हमारी ट्रेन का टाइम है 7 बजे का, और हमारी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और अभी हम हैं 1 पर। लक्की, तो अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ये रहा गोधरा का रेलवे स्टेशन। यहाँ इतना सुनसान लग रहा है क्योंकि फर्स्ट बार आए हैं, और बार हम वडोदरा से ही जाते थे, वहाँ तो इतनी भीड़ रहती है। तो वहाँ बड़ा स्टेशन भी है शायद इस वजह से। तो अभी हम यहाँ से अब चाय पीने वाले हैं, टाइम ट्रेन आने में अभी काफ़ी टाइम है, 1.5 घंटा तो है ही। तो हम ट्रेन में बैठे हैं, और इन दोनों की नौटंकी देखो, कभी इस सीट में जा रहा है, कभी उस सीट में जा रहा है, नाटक कर रहा है नाटक। तो गाइस देखो, इन दोनों की अलग ही चल रही है। एक को एक फोन देखने में बिजी है, और दूसरे को खाना खाना है, और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इनका फोन पता नहीं कैसे चल रहा है। नौटंकी देखो वहाँ से कैसा खिड़ा रहा है मुझे। गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, और मैं सो के उठ गई हूँ, और चाय भी पी ली है, और अभी थोड़ी देर में शायद 7 बजे या 7:30 बजे हम मथुरा पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर बम बम आके बैठे हैं, यहाँ पर ये भी उठ गए हैं, और लक्ष्य भी सोया ही है। अभी टाइम है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं लक्ष्य के लिए पानी और जूस। पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, पिएगा नहीं पिएगा।